होती है यही आप लोग को स्कूल में नहीं मिली सब लिए उनका सारा कैंसिल करो ठीक है यही रवैया है यहाँ का आप लोगों के लिए बातचीत कर रहे हैं हमारा तो आप कुछ नहीं है ना तुम्हें नहीं वो इस तरह बात कैसे करता है सिपाही से ये हंगामा करने का कारण हमारे ये कि हम लोग यूपी टेट के परीक्षा देने आए थे यहाँ पर और हमने पिछले 2 महीने पहले भी एग्जाम दिया देने आए थे वो हमारी कैंसिल हो गई थी हम दोबारा देने आए हैं। इन लोगों ने क्या करा कि ये लोग जो हैं एक तो इन्होंने समय से गेट पहले बंद कर दिया 8:20-9:20 के लगभग इन्होंने गेट बंद कर दिया और कोरोना के कारण 2 घंटे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे हम 7:30-8:00 यहाँ पे आ गए थे उसके बाद हमने लाइन लगाई जब हम अपनी लाइन के पास पहुंचे तो इन्होंने ये हवाला देने लगे कि आपका जो अंक पत्र है वो अटेस्टेड जो है स्कूल से होना चाहिए जबकि गवर्नमेंट ना सारे स्कूल बंद कर चुके हैं क्लोज कर चुके हैं और स्कूल वालों ने कहा कि आप किसी भी जो है अधिकारी सक्षम अधिकारी से जाकर अपना अटेस्ट करा सकते हो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ और दिखा दो ठीक है। अब जब भी कोई अधिकारी अटेस्ट करेगा वो ओरिजिनल देखेगा और इस कारण इन्होंने हमें तो परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। यहाँ पे अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं है ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा दिक्कत करोगे हम आपको जेल में डाल देंगे ठीक है। एक दूसरी बात ये लोग हम लोग यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके आए हैं सपोज हाँ हमारे पास आधार कार्ड भी है पैन कार्ड भी है ड्राइविंग लाइसेंस भी है और हमारे पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट है। सिर्फ इन लोगों का मोटिव ये होता है कि ये लोग जो है किसी गलत व्यक्ति एंट्री ना कर जाए इसीलिए ये देख रहे हैं। तो आधार कार्ड चेक कर लो मार्कशीट चेक कर लो रोल नंबर चेक कर लो जो ओरिजिनल लेके उसे चेक कर लो एक चीज नहीं होती है भाई जब हम वोट डालने के लिए सरकार देखिए आज जो TET का एग्जाम हो रहा है इसमें कुछ सेंटर्स पे कुछ कैंडिडेट्स को अंदर आने से रोका गया है और उसके बारे में जो यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उसके बाद जो सेंटर के सुपरिटेंडेंट हैं प्रिंसिपल पब्लिक जो भी हैं उन सब लोगों से इनकी बात कराई गई है। बेसिकली इनके बहुत सारे डिमांड्स हैं ये कहना है कि भाई मैं 9:30 यहाँ पहुँच गए थे उसके बाद एंट्री नहीं की गई थी लेकिन सेंटर सुपरिटेंडेंट लोगों का कहना है कि सबको होल्डिंग एरिया में ले लिया गया था और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो उन्हीं को बाहर किया गया था जिनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सबसे ज़्यादा समस्या इसमें हो रही है जो डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट है उस पर अटेस्टेशन को लेकर उसमें लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल से या सक्षम अधिकारी से किया जाए इन्होंने कहीं ना कहीं से करा लिया है तो उसके चलते यहाँ से उनको निकाल दिया गया था। तो एक लॉजिक था जिसपे इन लोगों को समझाया जा रहा है